मेरी नैनों की नूर सबको प्यार भरा आशीर्वाद स्वीकार हो, सबको सुप्रभात, सबका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सुविचारों के साथ हम लोग आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को दिनेश कुशवाहा, जो कि मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनका एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। वो भाई मुझे बड़ी बहन का सम्मान देते हैं और मेरे भी हृदय में उनके लिए छोटे भाई की तरफ बेहद अनुराग है। बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं तो इनके लिए कहना चाहूंगी कि मैंने इनसे 3-4 साल लगातार दूध लिया और सच में कभी भी इन्होंने दूध में पानी नहीं मिलाया। जब तक बर्तन को अच्छी तरह पानी से धो लो ना, तब तक उसमें दूध ही दूध लगा रहता था। तो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं ये। और इन्होंने कहा, आज आर्टिकल भेजा कि पानी तेरे कितने नाम, तो और देखते पानी कितने नाम है। कहते पानी आकाश से गिरे तो बारिश, पानी आकाश से गिरे तो बारिश और आकाश की ओर उठे तो भाप, अगर जम कर गिरे तो ओले और गिर कर जमे तो बर्फ, फूल पर गिरे तो ओस है और फूल पर से निकले तो वो इत्र हो जाता है, जमा हो जाए तो झील, बहने लगे तो नदी, सीमा में रहे तो पानी जीवन है, सीमा में रहे तो पानी जीवन है, सीमाएं तोड़ दे तो प्रलय है, आंखों से निकले तो आंसू है, शरीर से निकले तो पसीना है और श्री हरि के चरणों को छू कर निकले तो वो तो भाई चरणामृत बन गया, जिसका बारंबार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चरणामृत नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। तो भाई इनका ये पानी तेरे कितने रूप आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सुभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको बाय बाय।